हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें जो है फ्रैक्शन क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। सो जस्ट हम एक मिनट में जो रिवाइज करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। ओके, सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ओके, और इसके क्या किए मैंने थ्री पार्ट जो है कर दिए। उसमें से थ्री पार्ट में से मैंने वन पार्ट जो है शेड कर दिया। अब मुझे वन पार्ट जो मैंने शेड किया इसको मुझे अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, कि लाइक मैंने टोटल कितने पार्ट्स किए, थ्री, उसमें से कितने पार्ट शेड हुए, वन। सर वन अपॉन थ्री क्या हो गया मेरा, एक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, अगर हम होल पीस, पूरा होल क्या है, सर्कल, पूरा सर्कल है, उसके अगर हम एक पार्ट या फिर अगर हम उसके पार्ट्स करें तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। तो वन अपॉन थ्री क्या है हमारा, फ्रैक्शन। यहाँ पे वन क्या है, न्यूमरेटर, और थ्री क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स वो बताए कि हमने टोटल कितने पार्ट्स किए उस चीज के, जिसमें यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स किए, थ्री। और जो न्यूमरेटर है वो बताता है कि जितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मीन्स वो पार्ट जितने हमने शेड किए हैं या वो पार्ट जो हमने दे दिए, तो हमने कितने पार्ट शेड किए, वन। सो वन अपॉन थ्री हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस वो है लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे मैंने टू सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, दोनों सर्कल में कुछ पार्ट्स बनाए और उन पार्ट्स में से कुछ पार्ट जो है मैंने शेड किए। अब मुझे इन दोनों पार्ट्स में जितने पार्ट मैंने शेड किए उन दोनों की क्या लिखनी है, फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने कितने पार्ट्स किए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और यहाँ पे कितने किए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं, वन, और यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं, टू। तो वन अपॉइंट सिक्स, टू अपॉइंट सिक्स, दोनों की फ्रैक्शन जो है वो गई। अब इन दोनों फ्रैक्शन में कुछ सिमिलर है क्या, वो डिनोमिनेटर जो है सेम है। तो वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे भी मैंने टू सर्कल्स करे, ड्रॉ करें और इनकी क्या करें, कुछ पार्ट्स करें और उनमें से कुछ पार्ट जो है शेडेड है, तो हम शेडेड पार्ट की क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। लाइक यहाँ पे कितने टोटल पार्ट्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, और शेडेड कितने पार्ट किए, टू, और यहाँ पे कितने पार्ट्स किए, फोर, और शेडेड पार्ट क्या है, वन। सो ये हो गया टू अपॉन सिक्स, वन अपॉन फोर। इनमें कुछ सिमिलर है, नो, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट जो हमारा पास टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन, अब यहाँ पे भी मैंने टू सर्कल्स ड्रॉ किए, कुछ इनके पार्ट्स कर दिए और कुछ पार्ट शेडेड कर दिए। जो हमने शेडेड पार्ट किया अब हम उसके लगेंगे फ्रैक्शन। यहाँ पे कितने पार्ट्स है, टोटल थ्री, और शेडेड पार्ट कितने हैं, वन। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स है, फोर, और शेडेड पार्ट क्या है, वन। दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों का न्यूमरेटर क्या है, वन। तो वो फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर क्या हो, वन हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ पे कितनी फ्रैक्शंस, टू, इनको हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है वो है प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने एक सर्कल बनाया और इसके जो है कितने पार्ट्स किए, थ्री, और शेडेड कितने पार्ट है, वन, तो वन अपॉन थ्री हो गया। यहाँ पे अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें तो मैंने यहाँ पे टू सर्कल्स बनाए हैं, दोनों के थ्री थ्री पार्ट्स हैं। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों पार्ट जो है इसके शेड कर दिए, ठीक है। तो क्या फ्रैक्शन हो गई, थ्री अपॉन थ्री, क्योंकि टोटल कितने पार्ट्स हैं, थ्री, और तीनों ही शेडेड है। और यहाँ पे मैंने जो है वन पार्ट जो है एक और शेड कर दिया, तो ये हो गया थ्री और उसमें वन और, तो टोटल इन दोनों को मिला के कितने पार्ट शेड हो गए, टोटल को मिला के कितने पार्ट शेड हो गए, फोर, और दोनों में टोटल कितने पार्ट्स थे, थ्री। तो थ्री थ्री जो है डिनोमिनेटर सेम रहेगा, थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर, ये हो गया फोर अपॉन थ्री, ये हो गया वन अपॉन थ्री। अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कंपेयर करूँ तो इधर जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा, और इधर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। सो जहां पे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा वो कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जहां पे हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा वो कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब मैंने कहा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। सो लाइक वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री, ये सारी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब अगर हम देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो वैल्यू क्या आती है, वन,
है ना। अब अगर मैं देखूं 1/3, 2/3, तो इससे कम आएगा ना वैल्यू, हमेशा 1 से क्या आएगी, कम आएगी। सो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर देन 1, क्या होते हैं, स्मॉलर देन 1, 1 से हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। बट अगर मैं लूं 3/3, सेम वाला केस, या फिर 4/3, 5/3, 6/3, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, लाइक 3 और 6, 3 की टेबल में 6 का बात है, 2 पे तो वैल्यू आ गई, 2 बढ़ रही है ना वैल्यू। सो इट मीन्स ये क्या, कैसे फ्रैक्शन हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमारी इक्वल या फिर क्या होती है, लार्जर देन 1 होती है, इक्वल होगी या फिर क्या होगी, लार्जर देन 1। सो जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो स्मॉलर देन 1 होती है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो इक्वल या फिर ग्रेटर देन क्या होंगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि इस केस में न्यूमरेटर जो है बढ़ रहा है और इस केस में न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। ओके, अब जो हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है वो है मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन में अब लाइक हम कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देते हैं, लाइक मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी 5/4, इसका मतलब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4 में अगर मैं इसमें से अगर 4 अलग कर दूं, 5 को मैं लिख सकती हूँ 4+1, और डिनोमिनेटर सेम रहा मेरा, 4/4, 4 और 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 की टेबल में 4 कब आता है, 1 पे, ये हो गया 1+1/4। ये 5/4 का मतलब क्या है कि अगर हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ करें, ठीक है, जिसमें 4 पार्ट्स हमने किए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना होगा उतने पार्ट्स हम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, इट मीन्स मैंने इधर के इस सर्कल के चारों पार्ट्स जो है शेड कर दिए और इधर का 1, तो ये हो गया 5/4। तो हमने इसको लिखा 1+1/4, है ना। सो इसको हम कैसे ले सकते हैं, ये जो 1 है ये क्या है, होल, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे 1 लिखेंगे, और ये जो 1/4 है इसको हम ऐसे, ठीक है। सो ये 1 क्या हो गया, होल हो गया, होल नंबर हो गया, मीन्स पूरा कंप्लीट नंबर हो गया, ठीक है, पूरे कंप्लीट। और ये 1/4 कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। सो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल का भी और प्रॉपर फ्रैक्शन का भी। ओके, और ये हमेशा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो है उन्हीं को ही जो है हम एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शंस की फॉर्म में। तो इनके वैल्यू भी क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, है ना। अब आप देखो 4/4 लोगे तो वो 1 आ रहा है, तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना 5/4। तो जो मिक्स फ्रैक्शंस है वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शंस वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही है जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, और ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 1 होते हैं। सो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस थी, फर्स्ट लाइक, देन अनलाइक, देन यूनिट, देन प्रॉपर, देन इम्प्रॉपर, देन मिक्स। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, देन मूविंग टू द यूनिट फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है, देन प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा, और मिक्स फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही हैं जिनको हम होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, जब भी जैसे ही अगर हमारे पास मेन क्या है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, ओके, सो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। अगर सेम होगा तो वो किसके इक्वल होगी, 1 के, और अगर न्यूमरेटर कम है तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी, आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, लाइक अगर मैं अगर लिखूं 1/4, देखिए अगर 1/4 लिया, तो अगर आप इसको अगर डिवाइड, अगर आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखो तो 0. कुछ आएगा, सो इट मीन्स कि वो 1 से क्या है, ओके। होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।